अपना कुचिन्ह दो, तो प्रभु कर कृपा पावड़ी दीन ही सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी इन्हीं को अपना भैया मान के ले जाके अयोध्या के राज सिंहासन में रख के 14 वर्ष इनका पूजन किया। स्नान करते तो जल से नहीं अपने आंसुओं से। भरत जी यही सोच के भाव विभोर होते कि मेरे माँ के कारण आज भैया जंगल जंगल भटक रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीत न हृदय समात, और मांग मांग आयुष करर राज काज बहुभात। मूर्तियों का दर्शन करें, नीचे बड़ी मूर्ति भरत जी महाराज, ऊपर राम लक्ष्मण जानकी, बीच में अयोध्यापुरवासी जनकपुरवासी, नीचे काले काले शालिग्राम भगवान। इनके दर्शन से मनुष्य के जाने अनजाने के पाप सब दूर होते हैं। यहाँ का मुख्य महातिम है पादुका का आशीर्वाद। इनके लगने से घर में सुख शांति, धन धान की बढ़ोतरी और भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। फिर ये भरत जी महाराज का बड़ा मंदिर दिगंबर अखाड़ा है, ऊपर में गौशाला है, अंदर में साधु विद्यार्थियों का भंडार घर है। इसमें गौशाले का 100 रुपये है, साधु सेवा भंडारे का 151 रुपये, दूध का 51 रुपये है। कोई तीनों सेवा करता है, कोई एक करता है, कोई कुछ नहीं करता, कोई यहाँ टैक्स नहीं है। मंदिर की मर्यादा है कि पादुका का आशीर्वाद सब कोई लें। इनके लगने से घर में सुख शांति, धन धान की बढ़ोतरी और भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, जाता क्या है, यही जो आप अपने हाथ से कुछ दान पुण्य कर लेते हो। भगवान दिया है तो अपने परिवार कल्याण के नाम से, बाल बच्चों के नाम से, कोई गौशाला में करता है, कोई साधु सेवा विद्यार्थी सेवा में करता है, कोई दूध के, जैसा भगवान जिसको जो जोड़ा से है जोड़ा से आशीर्वाद लें। ले बाबू हाथ, आप हाथ लगा लें। क्या नाम बाबू? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार आपका वादा। भरत जी महाराज आपके दरबार में जोड़ा सहित हाजिर है, भगवान के बाल बच्चा सुखी रखें, सदा सौभाग्यवती रहें, परिवार का कल्याण हो, बाल भोग भंडारा गौशाला दूध सेवा में जो भी दे भगवान स्वीकार करें। ऐसा मंगल उसका पालती रसीद मिलता है। थाली में डाल दिया गया। भरत जी महाराज इनके बाल बच्चा से बाल भोग भंडारा गौशाला दूध सेवा जो भी दे भगवान स्वीकार करें।